डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, 6.31 से स्टार्ट करते हैं। 6.31 जो है इसमें लिखा हुआ है, अ होम बायर मेड अ डाउन पेमेंट ऑफ 200,000 रुपीज एंड विल मेक पेमेंट्स ऑफ 75,000 रुपीज ईच 6 मंथ्स फॉर 15 ईयर्स। द कॉस्ट ऑफ फंड इज 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। What would have been equivalent cash price for the house? How much will the buyer actually pay for the house? एक होम बायर है, उसने एक डाउन पेमेंट करी है 2 लाख रुपए की एंड विल मेक पेमेंट्स ऑफ 75,000 रुपीज ईच 6 मंथ्स और हर 6 महीने पर 75,000 रुपये की पेमेंट करेगा फॉर 15 ईयर्स 15 साल के लिए करेगा। द कॉस्ट ऑफ फंड इज 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो 10% है कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। सेमी एनुअली का मतलब हर 6 महीने पर। वॉट वुड हैव बीन इक्विवेलेंट कैश प्राइस फॉर द हाउस, हाउ मच विल द बायर एक्चुअली पे फॉर द हाउस। देखो कैश प्राइस किसके बराबर होती है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैश प्राइस जो है ना वो डाउन पेमेंट प्लस लोन के बराबर होती है। हमने कैश प्राइस के बारे में पढ़ा हुआ है कि कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन, और लोन के बारे में हमने क्या पढ़ा है, लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, ठीक है ना। कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन और लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, ठीक है ना। तो अगर लोन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर है, अगर लोन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर है, ठीक है, अगर जो लोन है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर है तो क्या होगा बताओ। हमने ईयर ज़ीरो पर जो कैश प्राइस है वो ढूंढनी है, ईयर ज़ीरो पर जो कैश प्राइस है वो ढूंढनी है। जो डाउन पेमेंट है वो डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए है, जो डाउन पेमेंट है वो 2 लाख रुपए है। लोन की अमाउंट हमें मालूम नहीं है और किस्तें जो है वो 15 साल में पे होंगी, किस्तें जो है वो 15 साल में पे होंगी, ठीक है, किस्तें जो है वो 15 साल में पे होंगी और हर 6 महीने पर किस्त पे हो रही होगी, हर 6 महीने पर किस्त पे हो रही होगी और हर 6 महीने पर कितने की किस्त पे हो रही होगी, हर 6 महीने पर 75,000 रुपये की किस्त पे हो रही होगी, ठीक है। तो अगर मुझे ये 75,000 इतने सारे 75,000 है इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा विच इज़ पी इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% डिवाइडेड बाई 2 पावर माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10% अपॉन 2, है ना। ये ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, बताओ इससे आंसर कितना आता है। इससे आंसर कितना आता है प्यारे बच्चों बताना ज़रा। आई गेस आंसर आ रहा होगा 1152934 या 933.8 भी कह सकते हो, ठीक है, 1152934। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि वो हर 6 महीने पर 75,000 रुपये की किस्त पे कर रहा था और हमें पता है कि लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स के बराबर होती है। तो जितनी भी फ्यूचर में रीपेमेंट्स हो रही थी मैंने उन सारी रीपेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आती है आप सबको।
ठीक है। अच्छा, अब कैश प्राइस कैसे आएगी? कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट, यानी कि 2 लाख रुपए, डाउन पेमेंट प्लस लोन। कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन, ठीक है। कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन, यानी कि ये 135,2934 बनता है, 135,2934 बनता है, ठीक है। कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। डाउन पेमेंट 2 लाख की है और लोन जो है वो 111,52934 का है, तो 2 लाख प्लस ये बन गई हमारी कैश प्राइस। अच्छा देखो, ये तो पहला चीज़ हो गई, व्हाट वुड हैव बीन इक्विवेलेंट कैश प्राइस फॉर द हाउस, ये हमने सॉल्व कर लिया। व्हाट वुड हैव बीन इक्विवेलेंट कैश प्राइस फॉर द हाउस, व्हाट वुड हैव बीन इक्विवेलेंट कैश प्राइस फॉर द हाउस, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ देखते हो तो उसने बोला था हाउ मच विल दी बायर एक्चुअली पे फॉर द हाउस, हाउ मच विल दी बायर, हाउ मच विल द बायर एक्चुअली पे फॉर द हाउस। एक्चुअली, एक्चुअली इस बायर ने कितना पे किया, एक्चुअल पेमेंट। देखो, इसने घर जो है ना वो कैश पर नहीं खरीदा, इसने घर जो है वो किस्तों पर खरीदा, इसने घर जो है वो किस्तों पर खरीदा है, तो इसने एक्चुअली कितने पे किए हैं? इसने एक्चुअली जो है वो 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट पे करी है और 75,000 रुपये वाली 30 किस्तें, 15 साल और हर साल में 2 किस्तें, ठीक है। जब सवाल पूछता है कि एक्चुअल कितनी पेमेंट करी है और अगर उसने घर जो है वो किस्तों पर ख़रीदा है, तो अगर उसने घर किस्तों पर ख़रीदा है तो उसकी जो एक्चुअल पेमेंट है वो डाउन पेमेंट है, और डाउन पेमेंट के अलावा उसकी 75,000 रुपये वाली 30 किस्तें, ठीक है। तो 75,000 रुपये वाली 30 किस्तें और डाउन पेमेंट, इनको ऐड करेंगे, 75,000 रुपये वाली 30 किस्तें भी वो पे कर रहा है और 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट भी पे कर रहा है। ये दोनों चीज़ें क्योंकि वो पे कर रहा है, तो वो टोटल पेमेंट जो कर रहा है वो 2,450,000 है। इस हिसाब से हमारे इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर जो है वो सी बन जाएगा, ठीक है, सी बन जाएगा। चलो जी, 6.32 पर आते हैं। 6.32 में लिखा हुआ है एन इंडिविजुअल प्लान्स टू बोरो 400,000 रुपीज़ टू बाई अ न्यू कार। एन इंडिविजुअल प्लान्स टू बोरो 400,000 रुपीज़ टू बाई अ न्यू कार। एक इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल जो है वो प्लान कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है? एन इंडिविजुअल प्लान्स टू बोरो रुपीज़ 400,000 टू बाई अ न्यू कार। एक इंडिविजुअल ये प्लान कर रहा है कि मैं 4 लाख रुपए का लोन ले लूं ताकि मैं नई गाड़ी खरीद लूं। तो 4 लाख रुपए हो गई लोन की अमाउंट, 4 लाख रुपए हो गई लोन की अमाउंट। द लोन विल बी फॉर 3 ईयर्स, लोन जो है वो 3 साल के लिए होगा। द लोन विल बी फॉर 3 ईयर्स, लोन 3 साल के लिए होगा। ईयर नंबर 1, ईयर 2, ईयर 3। द लोन विल बी फॉर 3 ईयर्स, द लोन विल बी फॉर 3 ईयर्स एट अ 12% एनुअल रेट कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। 4 लाख रुपए का लोन है, द लोन विल बी फॉर 3 ईयर्स, लोन 3 साल के लिए होगा एट अ 12% एनुअल रेट कंपाउंडेड मंथली, एट अ 12% एनुअल रेट कंपाउंडेड मंथली। ही कैन पे रुपीज 12,500 पर मंथ ड्यूरिंग दी फर्स्ट ईयर, ही कैन पे 12,500 पर मंथ ड्यूरिंग दी फर्स्ट ईयर, यानी कि जो पहला साल होगा, जो पहला वाला साल होगा, उस पहले साल में एक किस्त 12,500 रुपये की होगी। जो पहला साल होगा, ही कैन पे 12,500 पर मंथ ड्यूरिंग दी फर्स्ट ईयर। जो पहला साल होगा उस पहले साल में एक किस्त 12,500 रुपये की होगी।
What amount will he be required to pay during the next 2 years in order to repay the loan? ठीक है, एक बंदे ने गाड़ी के लिए 4 लाख का लोन लिया और उसकी वो रीपेमेंट्स करेगा 3 साल में 12% का रेट है। जो इंस्टॉलमेंट्स है ना, पहले साल की सारी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो 12,500 के बराबर होंगी। दूसरे और तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट्स 12,500 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। देखो, ईयर नंबर 1 तक तो हर महीने की किस्त जो है वो 12,500 रुपये होगी। 12,500, यहाँ पर पहला साल ख़त्म हुआ। दूसरे साल और तीसरे साल की जो एक किस्त होगी वो कितनी होगी ये हमें बताना है। सवाल ये कहते हैं कि वो 12,500 शायद ना हो, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, लोन की अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, ठीक है ना, ये बात मालूम है ना। लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, ठीक है। लोन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर है। अच्छा, अब हम इस सवाल को इस तरह से लिखते हैं, लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, यही यूँ लिख देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर 2 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर 3, ठीक है। लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर 2 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर 3। आई रिपीट, लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर नंबर 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर नंबर 2 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर नंबर 3। जो लोन की अमाउंट है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर है, जो लोन की अमाउंट है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर है, और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स होगी वो ईयर नंबर 1 की प्रेजेंट वैल्यू, ईयर नंबर 2 की प्रेजेंट वैल्यू और ईयर नंबर 3 की प्रेजेंट वैल्यू, तीनों की प्रेजेंट वैल्यू होगी, सही है। अच्छा, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर नंबर 1 निकालें, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर नंबर 1 निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले साल जो रीपेमेंट्स हो रही हैं, पहले साल जो रीपेमेंट्स हो रही हैं वो तो 12,500 के हिसाब से हो रही हैं ना। पहले साल जो रीपेमेंट्स हो रही हैं वो 12,500 के हिसाब से हो रही हैं, तो 12,500 यानी कि आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आपके पास जो है वो 12% डिवाइडेड बाई 12 पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12% ओवर 12, ठीक है। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। पहले साल जो रीपेमेंट्स हो रही हैं वो 12,500 के हिसाब से हो रही हैं, तो पहले साल की जो रीपेमेंट्स हैं उनकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितनी बनेगी। हाँ भाई प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करके बताना। हाँ जी प्यारे बच्चों, 2 मिनट दे रहा हूँ, ज़रा कैलकुलेट कर बताना। मेरे ख्याल में राहिल तुम जो आंसर बता रहे हो शायद वो सही नहीं है, चेक कर लो एक बार। हाँ एक मिनट, 12% मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 पावर माइनस 12 1-1 सर डिवाइडेड बाई 0.12 ओवर 12 टू 12,500।
12 है, पावर 12 आएगी, पावर तो 12 आएगी ना, 12 महीने होते हैं ना एक साल में। वन फोर जीरो सिक्स एट एट पॉइंट फोर सिक्स। तो जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर वन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर नंबर वन है, वो है 1406888.46। ठीक है। अच्छा, जो लोन की अमाउंट है वो 4 लाख है। तो अगर मैं लोन में से ये अमाउंट माइनस करता हूँ, ठीक है ना, यानी कि चलो इसको इक्वेशन में लिख देते हैं। देखो, लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर वन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर टू प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर थ्री। तो 4 लाख इज इक्वल्स टू 1406888.5 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर वन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर नंबर टू। ठीक है ना। तो 4 लाख माइनस करेंगे तो 259311.5 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर वन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर टू। ठीक है ना। 259311.5 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर नंबर वन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर नंबर टू। पहले और दूसरे साल, सॉरी, टू एंड थ्री, टू एंड थ्री, टू एंड थ्री, एक मिनट इसको मैं ऐड कर दूँ ज़रा। ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास जो ईयर नंबर टू और ईयर नंबर थ्री में रीपेमेंट्स हो रही हैं, ईयर नंबर टू और थ्री में रीपेमेंट्स हो रही हैं, इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी ना वो 259311.5 के बराबर होंगी। आपके पास ईयर नंबर टू और ईयर नंबर थ्री में जो रीपेमेंट्स हो रही हैं, आपके पास ईयर नंबर टू और ईयर नंबर थ्री में जो रीपेमेंट्स हो रही हैं, आपके पास ईयर नंबर टू और ईयर नंबर थ्री में जो रीपेमेंट्स हो रही हैं, इन रीपेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 259311.5 के बराबर होगी। ठीक है। आपके पास जो ईयर नंबर टू और ईयर नंबर थ्री में रीपेमेंट्स हो रही हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू 259311.5 के बराबर होगी। यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि दूसरे और तीसरे साल के हर महीने कितनी रीपेमेंट हो रही है, तो आर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस वन प्लस, अच्छा रेट कितना है? 12% है, 12% अपॉन 12 पावर माइनस 24, क्योंकि अब 2 साल है, डिवाइडेड बाई 12% ओवर 12। ठीक है ना। इज इक्वल्स टू 259311.5। क्या ये इक्वेशन सही है? मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूँ 259311.5 इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस वन प्लस 12% अपॉन 12 पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12% ओवर 12, तो क्या ये इक्वेशन सही है? क्या ये दूसरे और तीसरे साल की प्रेजेंट वैल्यू है जो 259311.5 के बराबर होगी? इस इक्वेशन में एक गलती है, इस इक्वेशन में एक गलती है, इस इक्वेशन में एक मसला है। कोई हाईलाइट कर कर बता सकता है मुझे कि क्या मसला है? ये इक्वेशन सही नहीं है, ये इक्वेशन सही नहीं है। 259311.5 जो है, 259311.5 जो है वो ईयर नंबर ज़ीरो की वैल्यू है, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर नंबर टू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स इन ईयर नंबर थ्री के बराबर है। लेकिन क्या ये इक्वेशन जो मैंने अभी बनाई है ये आप लोगों को सही नज़र आ रही है? क्या इसमें कोई मसला तो नहीं है? देखो, आप लोगों के सामने सवाल जो है ना वो सेपरेट टैबलेट वगैरह पे और ऑन होने चाहिए, या आप लोगों ने बुक्स ली हुई हो और उसमें हो। ये आपका सवाल था, आपका ये सवाल था। ठीक है। तो दूसरे और तीसरे साल की जो प्रेजेंट वैल्यू है, क्या दूसरे और तीसरे साल की प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलेगी?
देखो होगा क्या, सुनो जरा गौर से। देखो अगर अगर हम इसको गौर से देखते हैं, अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो यह नंबर 2 और यह नंबर 3 में जो रीपेमेंट्स हो रही हैं, जब मैंने ये वाला स्पेसिफिक फार्मूला, मैं ये स्पेसिफिक फार्मूला लगाऊंगा ना, तो ये सारी वैल्यूज़ 1 पर आएंगी, ये सारी वैल्यूज़ 1 पर आएंगी। जब मैं ऑर्डिनरी एनुइटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये सारी वैल्यूज़ 1 पर आएंगी, 0 पर नहीं आएंगी। ये जो आपके पास ये बॉक्स है, इससे जो आंसर आएगा, इस आप हमेशा याद रखना, बेसिक लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम ऑर्डिनरी एनुइटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर हम ऑर्डिनरी एनुइटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उस ऑर्डिनरी एनुइटी की प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले के अप्लाई करने से जो पी आता है वो पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले आता है। अगर आपके पास आर जो है वो 31 जनवरी वाले दिन था, अगर आर जो है वो 31 जनवरी वाले दिन था, पहला आर 31 जनवरी वाले दिन था, तो आपकी वैल्यू 1 जनवरी वाले दिन आई है। जबकि ये जो 259311.5 है, ये तो ईयर ज़ीरो की वैल्यू है, तो मुझे बताओ इसमें क्या एडजस्टमेंट करूँ। ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये तो ये नंबर 1 पर आएगी ना, इसलिए क्योंकि जब हम अपने पास ऑर्डिनरी एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम अपने पास ऑर्डिनरी एनविटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो अमाउंट जो है वो ये नंबर 1 के स्टार्ट में पहुंचा। इसको अगर 0 पर लेकर आना है, इसको अगर 0 पर लेकर आना है, तो इस अमाउंट को 1 साल पीछे नॉर्मल डिस्काउंटिंग से लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास ये जो ब्लू कलर से जो अमाउंट लिखा हुआ है, हाँ हुनैस बिल्कुल सही कह रहे हो, 1 साल की डिस्काउंटिंग होगी। ये जो आपके पास, देखो ये जो आपके पास इससे जो अमाउंट आएगा ना, इस चीज़ से, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से जो अमाउंट आएगा, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से जो वैल्यू आएगी, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से जो वैल्यू आएगी वो ये नंबर 1 पर होगी। इस ये नंबर 1 की वैल्यू को अगर ये नंबर 0 पर लेकर आना है तो 1 साल की नॉर्मल वाली डिस्काउंटिंग भी करनी पड़ेगी। 1 साल की नॉर्मल वाली डिस्काउंटिंग करने का मतलब ये है कि पी इज़ इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस i पावर n वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, और ये 1 साल पीछे लाने के लिए ये वाला चक्कर भी करना पड़ेगा। तो इस बात को काइंडली अच्छे से समझो कि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है, या हमारी वैल्यू जो है ना, वो ये नंबर 1 पर आ रही है। उस 1 की वैल्यू को 0 पे लेकर आने के लिए, 1 की वैल्यू को 0 पे लेकर आने के लिए 1 साल की नॉर्मल डिस्काउंटिंग भी होगी। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या आ रहा है, 12% डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 पावर माइनस 24, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.12 ओवर 12, अच्छा डिवाइडेड बाई ये 21.243, 2 2 5 9 3 1 1.5 इज इक्वल्स टू 21.24 आर डिवाइडेड बाई 12% प्लस 1 पावर 12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 पावर 12, 1.1268, अच्छा 21.24 डिवाइडेड बाई 1.1268, 259 311.5 डिवाइडेड बाई आंसर 13757। तकरीबन तकरीबन आर जो आ रहा है ना वो 13757 आ रहा है, आर जो आ रहा है वो 13757 आ रहा है, आर जो आ रहा है वो 13757 आ रहा है, 13757, यानी कि हमारा आंसर 13757 ए आंसर होगा। ठीक है, ए हमारा आंसर होगा, ए नियरेस्ट है, हम चेक भी कर लेते हैं। हमने अभी तक 31 सॉल्व किया, 31 का सी और 32 का ए। ठीक है, अब देखें ये एक आसान सवाल नहीं था, ये एक आसान सवाल नहीं था, शायद आपको रिकॉर्डिंग में दोबारा से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है कि जब आप एक और बार इस स्पेसिफिक सवाल को देखोगे और सॉल्व करोगे तो ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 3 3 पर आते हैं,
अच्छा जी, 3-3 करते हैं। मैं ज़रा जगह इधर क्लियर कर दूं। 6.33, ठीक है ना। 6.33 में देखते हैं कि क्या लिखता है। 6.33 में लिखा हुआ है, अ पर्सन कैलकुलेटेड दैट बाय डिपॉजिटिंग 12,500 ईच ईयर, अ पर्सन कैलकुलेटेड दैट बाय डिपॉजिटिंग 12,500 ईच ईयर, 12,500 हर साल डिपॉजिट करने से, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंड ऑफ दी फर्स्ट ईयर। अ पर्सन कैलकुलेटेड दैट बाई डिपॉजिटिंग 12,500 ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंड ऑफ दी फर्स्ट ईयर, ही शैल बी एबल टू एक्यूम्यूलेट, एक्यूमुलेट यानी कि जमा, ही शैल बी एबल टू एक्यूमुलेट रुपीज 150,000 एट द टाइम ऑफ एंथ डिपॉजिट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच ही कैन एक्यूमुलेट द रिक्वायर्ड अमाउंट इज। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या ये फ्यूचर वैल्यू का सवाल है या प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है? क्या ये फ्यूचर वैल्यू का सवाल है या ये प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है? सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या ये फ्यूचर वैल्यू का सवाल है या ये प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है? बिल्कुल, ये फ्यूचर वैल्यू का सवाल है, ये फ्यूचर वैल्यू का सवाल है। सर, फ्यूचर वैल्यू का सवाल कैसे है? देखो, मैं सवाल को तसल्ली से पढ़ता हूँ। सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है, अ पर्सन कैलकुलेटेड, एक बंदे ने कैलकुलेट किया दैट बाय डिपॉजिटिंग 12,500 ईच ईयर, कि अगर वो 12,500 हर साल जमा करता है, अगर वो 12,500 हर साल जमा करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिरी दिन से, और अगर एंड लिखा हुआ है, पहले तो यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर एंड लिखा हुआ है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो अगर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ? ऑर्डिनरी एनविटी होगी या एनविटी ड्यू होगी? अ पर्सन कैलकुलेटेड दैट बाई डिपॉजिटिंग 12,500 ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, अ पर्सन कैलकुलेटेड दैट बाई डिपॉजिटिंग 12,500 ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिर से। अ पर्सन कैलकुलेटेड दैट बाई डिपॉजिटिंग 12,500 ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिर से, ऑर्डिनरी एनविटी हो गई। ही शैल बी एबल टू एक्यूमुलेट रुपीज 150,000 एट द टाइम ऑफ एंथ डिपॉजिट। वो एबल होगा यानी कि वो जमा कर सकेगा 1,50,000 रुपये एंथ डिपॉजिट के आखिर में। एक बंदा 12,500 हर साल के आखिर में जमा कर रहा है, एक बंदा 12,500 हर साल जमा कर रहा है हर साल के आखिर में, पहले साल के आखिर से, और उसके बाद 1,50,000 रुपये हो जाएंगे एंड डिपॉजिट के बाद, एंड डिपॉजिट के बाद हो जाएंगे। वो 12,500, 12,500, 12,500, 12,500 कर कर जमा करेगा तो उसके पास कुछ सालों बाद 1,50,000 रुपये हो जाएंगे। इफ़ दी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच ही कैन एक्यूमुलेट दी रिक्वायर्ड अमाउंट इज, कितने सालों में ये पैसे हो जाएंगे? देखो, ये प्योरली फ्यूचर वैल्यू का सवाल है। वो ये कहना चाह रहा है कि एक बंदा है और वो हर साल के आखिर में, मिसाल के तौर पे पहले साल के आखिर में 12,500, फिर दूसरे साल के आखिर में 12,500, फिर तीसरे साल के आखिर में 12,500, हर साल के आखिर में, हर साल के आखिर में, हर साल के आखिर में, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के आखिर में 12,500 रुपये जमा करता है, कितने सालों बाद इसके अकाउंट का बैलेंस 1,50,000 रुपये हो जाएगा? कितने सालों बाद इसके अकाउंट का बैलेंस 1,50,000 रुपये हो जाएगा? कितने सालों बाद इसके अकाउंट का बैलेंस 1,50,000 रुपये हो जाएगा? कितने सालों बाद इसके अकाउंट का बैलेंस 1,50,000 रुपये हो जाएगा? इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है वो 4% है, अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज जो है वो 4% है, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच ही कैन एक्यूमुलेट द रिक्वायर्ड अमाउंट इज, कितने सालों बाद इसके पास ये पैसे हो जाएंगे?
तो जब कितने सालों बाद की बात करता है, जब कितने सालों के बाद की बात करता है, तो क्या होगा? आपके पास फॉर्मूला लगेगा, एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस i पावर n माइनस 1 अपॉन i। ठीक है, ऑर्डिनरी एनविटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, ऑर्डिनरी एनविटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। सर, ऑर्डिनरी एनविटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्यों लगेगा? इसलिए क्योंकि ये 1.5 लाख रुपए फ्यूचर में होंगे। सर, ऑर्डिनरी एनविटी का क्यों लगेगा? इसलिए क्योंकि हर टाइम पीरियड के आखिर में पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एस की जगह आप 1.5 लाख रखोगे, इज इक्वल्स टू आर यानी कि 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस, अच्छा आई कितना होगा? आई 4% होगा। ठीक है, ये पिछला सवाल जरा मैं मिटा दूं, आई जो है वो 4% होगा, पावर एन माइनस वन अपॉन 4%। अब देखो आपको क्या ढूंढना है, आपको एन ढूंढना है, आपको एन ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? आपको एन ढूंढना है। अच्छा सर, एन कैसे ढूंढेंगे? देखो, एन ढूंढने के लिए एक तो एनविटी टेबल वाला तरीका है, एन ढूंढने के लिए एक तो एनविटी टेबल वाला तरीका है, उसका लेक्चर मैंने 3 दिन पहले आप लोगों को ग्रुप पे भेजा है। दूसरा तरीका इस सवाल में ये यूज़ कर सकते हो कि जो आपको आंसर्स दिए हैं ना, उसको आप बारी 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 पुट इन करो राइट साइड पर, और देखो कि किसका आंसर 1.5 लाख बनता है। मिसाल के तौर पर एन की जगह तुम जो है ना वो 9 पुट इन करो। अगर एन की जगह लेट से 9 पुट इन करते हैं, अगर लेट से हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो एन है हमारा, हमारा जो पहला ऑप्शन आ रहा है ना 9, अगर एन 9 हो, अगर एन 9 हो तो 1.04 की पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.04 इंटू 12,500, तो ये तो कम बन रहा, 9 नहीं होगा। ठीक है ना, फिर आप क्या करो, फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास इस तरह से 10 है, 11 है, 12 है, चलो 12 पुट इन करते हैं। अगर हम 12 पुट इन करते हैं एन की जगह, अगर एन की जगह 12 पुट इन करते हैं, अगर एन की जगह 12 पुट इन करते हैं, अगर एन की जगह 12 पुट इन करते हैं, तो हमारा आंसर ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, 10 पुट इन करते हैं, 1.04 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 12,500। इस तरह से आप जो है ना वो चेक कर सकते हो। अगर हम 10 पुट करते हैं, 1.04 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.04 इंटू 12,500, हाँ तो मेरे ख्याल में आंसर जो है ना वो 10 होगा। आंसर 10 होगा। आंसर 10 क्यों होगा? आंसर 10 इसलिए होगा, आंसर 10 इसलिए होगा क्योंकि जब मैं 10 पुट इन करता हूँ, जब मैं 10 पुट इन करता हूँ, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल होती है, यानी कि 6.33 का आंसर बी होगा। 6.33 का आंसर जो है वो बी होगा। ठीक है, 6.33 का आंसर बी होगा। ठीक है, मैं आपको ये ज़रा यहाँ से चेक भी करवा दूँ, 6.33 का आंसर बी होगा। ठीक है भाई, 6.33 का आंसर बी होगा। इसमें कोई मसला है तो आप लोग काइंडली मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझे बताओ अगर कोई मसला है तो, ताकि मैं उसको डिस्कस करूँ। डन है, गुड है। तो ये 3 ही क्वेश्चंस मेरे ख्याल में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है ना, 3 क्वेश्चंस पर ही आज की चीज़ों को लिमिट करते हैं। पहले तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।